एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही शानदार हूं। और आज दोस्तों ये ब्लॉग वीडियो मेरा जंगल से शुरुआत हो रहा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेरा मिसेस का म्यूजिक क्लास, तो उसी को पहुंचाने जा रहा हूं। तो उनको पहुंचा के उसके बाद में मैं निकलूंगा एक बहुत ही शानदार जगह को आज एक्सप्लोर करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो। फाइनली पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पर म्यूजिक क्लास है, उसके बाद में घर जाएगी और मैं अपनी निकलता हूँ अपना। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी खूनिया मोड़, और ये हम लोग का NH31 है, और यहाँ से स्ट्रेट जाने से हम लोग का नगराट पहुँचेगा और मैं लूँगा अभी लेफ्ट यहाँ से। सो गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ रेलवे गेट, जो खूनिया का जो रेलवे गेट है ये बीच फॉरेस्ट में गेट पड़ता है। कहाँ गया था? घुमाने गया था। तो क्या है कुछ? चलिए चॉकलेट कौन तो खाते हैं? नहीं नहीं यही ठीक है। हाँ तो गाइस आइसक्रीम तो खा लिया, मज़ा आ गया। अभी निकल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए पूरा काम चल रहा है। तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो में? और दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ यही जंगलों के बीच में, और मेरा पास में ही एक छोटा सा गांव है सिपसू, जहाँ पर SSB कैंप भी है, और ये जंगलों के बीच में है दोस्तों, इतना शानदार वादियों के बीच में दोस्तों, ये पूरी टूरिज्म एरिया है दोस्तों। ये मस्त का जो व्यू है ना, आप लोग जब यहाँ आएंगे तभी मज़ा ले सकते हैं, और इसका आगे जितना आगे जाएंगे ये रूट में तो उतना ही मज़ा आएगा। बट मैं अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं 12 किलोमीटर अभी करीब, मुझे और 5 किलोमीटर जाना है। मैं सोचा हूँ कि मैं कुमानी तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका 4:15 तक रिटर्न भी जाना है नगरकटा, क्योंकि मेरा लड़का का 4:30 बजे ट्यूशन छुट्टी हो जाता है। सो लेट्स गो दोस्तों, आगे चलते हैं, और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कुमानी। कुमानी एक बहुत ही शानदार प्लेस है, और साथ ही साथ वो हम लोग का इस एरिया के लिए विकसित है, पर क्या थे एक चीज के लिए जिसको मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। यह है सिपचू। सो गाइस देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ ही घर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ लगभग 20-25 ही घर होगा। अभी मैं किधर से जाऊँ भाई साहब, ऐसे गाड़ी रोक लेते हैं आप लोग। चलिए मैं तो निकल गया, यही है मज़ा बाइक होने का, अगर यहीं पर गाड़ी होता तो रुक जाता मैं। तो हम लोग कहाँ पे थे देखिए दोस्तों, कुछ ही घर है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं है, करीब होगा तो भी 20-25 ही घर होगा, और ये घर जंगलों के बीच में है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि SSB कैंप है दोस्तों यहाँ पर। और फाइनली दोस्तों लोग कुमानी एंट्रेंस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुमानी का बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये कुमानी का पुलिस चौकी बनाया हुआ है। यहाँ पर दो रास्ता बटा हुआ है, एक इधर राइट वाला चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड झालोंग बिंदु रंगू, और इधर चला जाएगा आपको सामसिंग मेटली चलसा, तो फोन करना पड़ेगा। मैं चलता हूँ लेफ्ट वाला में, क्योंकि मैं आप लोग को राइट वाला जगह जाके दिखाया हूँ। अभी यहाँ पर जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जो जगह को, वो इधर है। अब मेरा फ्रेंड भी आया हुआ है वहाँ पर, मैंने उसका बाइक देख लिया कहाँ पर रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये है मैं जिस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता था, हर्बल उपचार केंद्र, ये बोर्ड देखिए दोस्तों, ये हर्बल उपचार केंद्र, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उपचार किया जाता है हड्डियों का, टूट जोड़े को टूटा फूटा जो भी है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, और ये बहुत बड़ा नर्सिंग होम जैसे बनाया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ आगे से।
तो फाइनली गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूं कुमानी का हर्बल उपचार, वहां पर दिया हुआ है कार्यालय केंद्र उधर वाला बोर्ड में ना, और बहुत ही शानदार यहां पर हड्डियों का जोड़ा जाता है। और एक इधर भी है, एक इधर भी है, वैद्य अंबर लामा हर्बल उपचार केंद्र, यानी कि दो दो उपचार केंद्र है यहाँ पर। टेंशन ही नहीं है उपचार करने के लिए। यहाँ पर देखो बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड नहीं आना है, नहीं आना है। देखिए दोस्तों पूरा बॉडीगार्ड रखा हुआ है दोनों हर्बल केंद्र में, और बहुत ही शानदार यहाँ पर चिकित्सा किया जाता है। यही दिखाने के लिए बोल रहा था कि मैं कुमानी आऊंगा, तो बहुत ही अच्छा जगह है। आप लोग भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो जरूर आइए दोस्तों। हाँ। पहले आया हुआ है यहाँ पर। हमारे सुनील सर बोल रहे हैं कि आने के लिए, हाँ, मगर मैं बोलता हूँ मत आइए, एक सीन होना नहीं है, आराम से चलाइए बाइक वगैरह। वैसे वाला नहीं दोस्तों, अगर कहीं पर होता है प्रॉब्लम ऐसा तो यहाँ पर आ सकते हैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यहाँ पर मजा आएगा थोड़ा सा, बहुत प्यास लग रहा है। क्या सर पीते हैं ना? जरूर मंगाइए ना। तो बोलिए एक तो कोल्ड ड्रिंक, हम लोग का कोक मैंने मंगा दिया, बस अपने पैसा देना है। थैंक यू सर। क्या जरूर सर, थम्स अप बोलेगा तब हम लोग भी। अभी बाइक को नहीं उड़ाना है, लेकिन ले मेरा डुप्लीकेट वाला दे दिया। डर क्या, कहीं पर कोका कोला लिखा नहीं है, यहाँ पर कोका कोला लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, मेरा 200 ml ओनली है। आपका रगड़ रगड़ के खत्म, रगड़ रहे ना दोस्त, YouTube बनाने के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत रगड़ रहे हैं, तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है, किया जा रहा है जूता सब। तब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, पैसा आएगा तो खरीदेंगे ना। तभी पीते हैं, नहीं दिखाएंगे। यस फाइनली गाइस हम लोग ने कॉक का बोतल खाली कर दिया है और अंदर घुसा दिया, अभी एनर्जी बढ़ गया है फिर से। अभी जाएंगे फिर से ब्लॉगिंग करते हुए, बहुत शानदार एक जगह है यहीं पर, एक्सप्लोर करेंगे नदी का, और उसके बाद में घर के लिए निकलेंगे। टाइम हो चुका है 3:30, फटाफट जाना भी है रिटर्न, तो मिलते हैं आगे। ओके ला राम रे बस मस। तो गाइस हम लोग यहां से अभी निकल रहे हैं, और उससे पहले एक शानदार व्यू पॉइंट है, उसको भी जरूर दिखाऊंगा, तो अभी इसलिए इधर जा रहे हैं, और उसके बाद में निकलेंगे घर की तरफ। इधर 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 तो नदी जाने को बाटो छा नहीं था, उता उता मूर्ति जाने को बाटो। हाँ हाँ ये सुंगुर हो, ला 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 हुन्छ थैंक यू। दोस्तों ये है कुमानी का एक बस्ती है, जहाँ पर आप लोग होम स्टे भी कर सकते हैं, बहुत शानदार व्यू दिखता है यहाँ से, और आप लोग हिल्स का भी मजा ले सकते हैं यहाँ पर रुक के। देखिए आगे मेरा पूरा हिल्स ही हिल्स है, यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा और कैप्टन राम सिंह ठाकुरी, कैप्टन राम सिंह ठाकुरी फ्रीडम फाइटर। देखिए दोस्तों ये रास्ता नीचे जाता है उस मोड़ से जहाँ पर फ्रीडम फाइटर सब थे हमारे देश के। सो गाइस मैं अभी आया हूँ मूर्ति ब्रिज में, और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं बस जस्ट कुमानी थोड़ा ही सामने है, और इधर अगर मैं पीछे चला जाऊँ तो इधर मेटली तरफ चले जाएंगे, और उधर जाना नहीं है अभी, रिटर्न जाना है। ये है मूर्ति नदी जो आपका रॉकीज लैंड तरफ से आ रहा है, बहुत ही शानदार व्यू है, तो मज़ा आ रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बहुत बढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आगे दोस्तों, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। सो गाइस ये था आप लोगों का मूर्ति का एक पिकनिक स्पॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आदमी घूमने के लिए आते हैं, और एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो यही मैं दिखाना चाहता था आज का ब्लॉग में आप लोग को, एक जहाँ पर मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया, जहाँ पर कुछ एक्सीडेंट होने के बाद में अगर हड्डी उड्डी टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है,
तो वहाँ पर उसका उपचार किया जाता है और उसी के सामने इतना शानदार व्यू है। तो दोनों चीज़ को मैंने एक्सप्लोर करने का कोशिश किया, तो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अभी चलते हैं घर के तरफ। अभी हम लोग स्टेट जाना नहीं है, स्टेट हिंदू तरफ जाएगा। हम लोग को यहाँ से जाना है राइट साइड। बाप रे बाप, उसका तो डरवा ही दिया था। फाइनली गैस, थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो गया, बट मैं अपना बेटा का ट्यूशन पहुंच चुका हूं। लेट हो गया बाबू, लेट हो गया। चलो तो गैस, अभी घर तो आ गए और काफी ज्यादा लंबा हो जा रहा है ये वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ आज का ये वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। जब फोन करेगी कि नगरटा पहुंच गई, तब जाके उसको लाने जाऊंगा। तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा क्योंकि काफी लंबा हो गया और ये वीडियो को फटाफट अभी एडिट करके पोस्ट भी करना है, क्योंकि आज का वीडियो आज ही मैं पोस्ट करने वाला हूं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।